नमस्कार दोस्तों, मैं राज किशोर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूं, जैसे कि तो आज की इस वीडियो में मैं कमरे को बिल्कुल बढ़िया तरीके से गुनिया करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा, तो वीडियो पूरा देखें दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, ये कमरा है और बिल्कुल ये नापी में है। वो जो 4 इंची का दीवार यहाँ लगा हुआ है, ये वाला, यहाँ से हम फीता से मिनती किए हैं, यहाँ भी बिल्कुल फीते से मिनती किए हैं, तो बिल्कुल करेक्ट यहाँ भी है। और वो जो 4 इंची सामने दीवार दिख रहा है, वहाँ से मिनती किए हैं यहाँ पे फीते से, तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये फिर भी गुनिया में नहीं हुआ है। और जो घर का मालिक है वो बोलते हैं मेरे को कमरे है ये बिल्कुल गुनिया में चाहिए, क्योंकि बेड बुड लगाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के दोस्तों को दिखा दूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं गुनिया करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों गुनिया करने के लिए, जैसे कि ये 4 इंची दीवार हमारा इधर लगा हुआ है, इसको भी हम नहीं छेड़ सकते हैं, और वो जो किनारे दीवार लगा है उसको भी हम नहीं छेड़ सकते हैं। तो हमारा जो ये आगे हम अभी जो दीवार लगा रहे हैं, ये 4 इंची का जो सामने दिख रहा है, इसी को हमको गुनिया में करना है। कि मतलब ये जो हमारा दीवार आगे गुनिया में हो जाएगा, तो जो इसके आगे हम बनाएंगे वो बिल्कुल गुनिया में होते ही जाएगा। मतलब ये जो गुनिया होगा ये पीछे ही हमारा चट जाएगा। तो इसको गुनिया में करने के लिए सबसे पहले हम फीते को लेंगे, और ये जो हम मिनती किए हैं दोस्तों यहाँ पे, यहाँ से हम बिल्कुल करेक्ट मिनती करेंगे। यहाँ से जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट मिनती करना है 3 फीट। जैसे कि हमारा यहाँ 3 फीट आया है, 36 इंची। तो यहाँ पे हम 36 इंची में बिल्कुल करेक्ट ऐसे निशान लगा देंगे यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं। और ये जो दीवार है यहाँ से हम 4 फुट पे निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम 4 फीट बिल्कुल मिनती करेंगे अच्छी तरीके से, बिल्कुल करेक्ट मिनती करना है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल 4 फीट। अब इसको जो ये हम यहाँ निशान लगाए हुए हैं, ये वाला, यहीं से बिल्कुल यहाँ से पकड़ेंगे, तो हमारा यहाँ जो है ये निशान लगाए हुए हैं 4 फुट पे, यहाँ पे 5 फीट आना चाहिए। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ हमारा 5 फीट नहीं आ रहा है, यहाँ 61 इंची आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो हम दीवार लगाए हैं ये गलत है, 1 इंची हमारा अभी दीवार इधर को खसकने वाला है। तो हम इसको पहले खसकाएंगे। वो जो नुकर है हमारा बिल्कुल करेक्ट है जैसे मैं दिखाया, तो ये हमारा 1 इंची इधर को आ रहा था, तो ये जो ईंट हम लगाए हुए हैं अब इसको हम 1 इंची यहाँ पे ऐसे बढ़ा देंगे। और फिर सूता बांधेंगे और सारे ईंट को पहले घींच के फिर चेक करेंगे वहां पे। तो फिर एक बार देखेंगे हम। तो अभी भी नहीं आया है, इसका मतलब ये और इधर होगा। तो ये जो जितना ईंट हम लगाए हुए हैं सब इधर को घिसका रहे हैं। फिर चेक करेंगे एक बार। अच्छी तरह से सूट में कर लेना है ईंट को बढ़िया तरीके से, थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो।
तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल 5 फीट करेक्ट हमारा आ गया है। ये हमारा बिल्कुल गुनिया में हो गया है। तो ऐसे ही जो कमरा हो तो आप भी गुनिया करें दोस्तों। हमारा कमरा है जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल गुनिया में हो चुका है। ऐसे ही आप प्लाट का भी गुनिया कर सकते हैं और कोठी का भी गुनिया कर सकते हैं। ये तो कई जगह तो ईंट बांध के होता है, कई जगह ये सूत बांध के ही, सूत में निशान लगा के गुनिया होता है। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।